नहीं पूछो जरा कुरान के जलाए हुए नहीं माजल्ला क्या करा था कुरान को आतिश के वाले करा वो जरा पूछो। अरे कुरान को क्यों जलाया था? गंदगी में था ना, तुझे तकलीफ हो रही थी उससे बोल के। ये इतना मकूल ने करा हमारा अंदर के बटे। मुझे भी वैसे होता तोबा कर और जोर से तोबा तोबा करना तो चीख लूंगा। तोबा 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 सताएंगा इंसानों को। जोर से बोल, चीख मार के बोल। नहीं और जोर से। नहीं और जोर से। नहीं हां तोबा तोबा अल्टा के बोल। तोबा 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 तोबा। मुझे भी सेम होता है के बोला आखिरी जारो और जोर से। जोर से जारा नहीं आऊंगा। भविष्यवाणी करने आती तुझे लोगों की किसकी भी नहीं। ये छोकरे की शादी कब होने लगा बाजू में खेरा तो अंते। ये छोकरे की मेरे को नहीं आता को। नहीं आता भविष्यवाणी करने? किसका कपड़ा सूंगा तो उसके बारे में बोलने आता हो गई। भविष्यवाणी नहीं आती? नहीं। चल मुंह पे हाथ मार के जोर से तोबा तोबा करके निकल। समझा नहीं समझा? समझा। कौन है तू? मरियाला इंसान है, जिन्नात है, खबीस की नस्ल से। जोर से बोल। ये हाथ छोड़ दे। तेरा बंद रखे हमारा तेरे का चालू है ना। हाँ बोल। हाँ हाथ छोड़ दे। छोड़ते तुझे सब नहीं तो वैसे नहीं छोड़ते। आजाद नहीं करो। किसकी नस्ल से? जोर से बोल। खबीस। किसकी नस्ल है? अरे किसकी है? अरे जोर से बोल। सुने नहीं आया मुझे? जोर से बोल। खबीस की है, जिन्नात की है, इंसान की है? खबीस है। बैठ जा नीचे ना मखोल बदबख। हाँ हाँ चल सवाल का जवाब दे मेरे। करेगा दोबारा परेशान शाह को? क्या नाम है इनका? सलीम शाह को करेगा परेशान? जोर से बोल। नहीं करेगा? नहीं। अच्छा इनको सुसाइड कराने कौन ले जा रहा था? फंदे डाल डाल कर झाड़ू को टंगा रहा था क्या? जोर से बोल। क्या हो रहा था? क्या सवेरे सवेरे 6 बजे झाड़ू को टंगाने लेके जा रहा था फांसी लेने के लिए। अच्छा कितने बार गया? कब गया था? 10-15 दिन। अच्छा 10-15 दिन पहले सलीम शाह को कहा लिखा था तू फांसी देने ले जा रहा था? अब दिंगा फांसी उसको दोबारा? नहीं करूँगा तेरी धड़ा अलग गर्दन अलग। नहीं करूँगा। जोर से बोल। नहीं करूँगा। जोर से बोल। नहीं करूँगा। और बारीक बच्चों को भी दरवाजे गिरा दे रहा आंख पे कुछ भी मारने की कोशिश। दरवाजे बंद कर करके गली वाली में झगड़े कर रहे हजरत जरा वो भी कुछ। अच्छा गली वालों को तू झगड़े करने लगा रहा था कह रहे? नहीं। फिर क्यों झगड़े हो रहे थे? पूरे गली वाले झगड़े कर रहे हम लोग से। क्या हो? अच्छा वो झगड़े क्यों हो रहे? जल्दी बोल। तू हरकत कर रहा था उसमें कुछ? नहीं ना। हाँ बैठ है ना मकूल खबीस। जो पूछा उसका जवाब दे। क्या काट के बाहर टांग दूँ? बोल। हाँ कितने इंसानों को मारा अभी तक? ये पहला शिकार है? अच्छा एक सवाल मेरा, सलीम शाह पे जिसने जादू करा और तुझे लाके उसके आंग में डाला तो वो लोग सलीम शाह के ससुराल के तरफ के थे क्या? बाप के खानदान के थे क्या? दोस्ताने के थे? किधर के लोग थे? नाम नहीं पूछा मैं। किधर के थे वो बोल। किधर के थे? मेरे खानदान के थे। सलीम शाह के खानदान के थे? अच्छा दुश्मनी क्या थी? जमीन जायदाद की क्या? झगड़ा या पुरानी दुश्मनी? नहीं। नाम नहीं पूछा मैं, खाली इतना बोल क्या थी दुश्मनी? क्या थी? अदब से नाम अकोल बेटा। हाँ बोल। क्या क्या दुश्मनी थी? अच्छा सलीम शाह का जादू करते टाइम पे क्या लेके थे? शर्ट कपड़ा चप्पल में थे? कपड़े कपड़े कपड़े। कौन से कलर के थे वो? चौकड़ी 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 का। अच्छा कितना टाइम हो रहा ली जाके? कितना टाइम हुआ? जल्दी बोल तो छोड़ूंगा पूरा जला दूंगा। 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हुए। ज्यादा कितना हो रहा रे? सही बोल। 30-31 साल हो गए कम से कम। 32 के अंदर। अच्छा
और एक सवाल, सलीम शाह को किस चीज में मिलाकर खिलाए थे? क्या था वो खाना? दाल चावल बिरयानी खलिया क्या था? रोटी था, बाजरे की रोटी थी। अच्छा, उनके घर पे खिलाए, इसके घर पे लाके खिलाए इसको? सलीम शाह के घर पे खिलाए सलीम शाह को? क्या उनके घर पे बुला के खिलाए थे दुश्मनों ने उनको? बिठा उसके ऊपर। हाँ, नीचे बोल। हाँ, बाहर खिलाए थे। और इसके घर में और करे किसको, बच्चों को, औरत को, किसको? जादू नहीं, नहीं। और किसको मारने का इसके घर में से? नहीं, नहीं। देखा ना कितनी ताकत दिया ली है अल्लाह ने तो। हाँ। ये अल्लाह के कलाम की ताकत है। तू एक मामूली खबीस है, तेरे बड़े बड़े बादशाह लोग मेरे अंडर में गुलाम है। हाँ। तेरी क्या मिसाल है मेरे सामने, समझा? चला चला मैं अब। हाँ, जोर से बोल। चला जोर से। जा रहा हूँ मैं अब। आवाज लगा के, चीख लगा के बोल अब आखिरी। जा रहा। और जोर से, जोर से। जा रहा। जा रहा मैं अब। जा रहा ना? नहीं आऊंगा। भविष्यवाणी करने आती तुझे लोगों की किसकी भी? नहीं। ये छोकरे की शादी कब होने वाली? बोल बाजू ठहरा तो। अंते ये छोकरे की मेरे को नहीं आता, कोई नहीं आता भविष्यवाणी करने। किसका कपड़ा सूंगा तो उसके बारे में बोलने आता? गलती हो गई। भविष्यवाणी नहीं आती? नहीं। चल मुंह पे हाथ मार के जोर से तोबा तोबा करके निकल। हबीस ना मखूल, जोर से तोबा कर। तोबा तोबा तोबा। हां जोर से। तोबा तोबा। जोर से। तोबा तोबा। जोर से। तोबा तोबा। सताएंगा इंसानियत को दोबारा? हां हजरत कितने पूछो जरा, कुरान के जलाए हुए। नहीं माज अल्लाह, क्या कर रहा था? कुरान को आतिश के हवाले करा वो जरा पूछो। अरे कुरान को क्यों जला था? गंदगी में था, तुझे तकलीफ हो रही थी उससे बोल के। ये नाम मकूल ने करा हमारा अंदर के बड़े। मुझे भी वैसे होता तो है। और जोर से तोबा तोबा करना। तोबा 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 तोबा। सताएंगा इंसानों को, जोर से बोल, चीख मार के बोल। नहीं। और जोर से। नहीं। और जोर से। नहीं। हाँ, तोबा तो बाल डाके बोल। अलीम को वैसा क्यों होता रहे? अलीम को भी तूने करा क्या? दूसरा है अलीम को? हाँ जोर से बोल। अलीम को नहीं करा। नहीं करा? अच्छा उसको दूसरा है। चल अब उसको सलीम शाह को मारने को ले जाएगा तो दो टुकड़े कर दूंगा तेरे हाथों के, बाहर टांग दूंगा, समझ गा ना? सीधा निकल, छोड़ उसको, चल निकल। छोड़ के निकाल, अंदर की हरकत कर रही इतना बल्ला। चल जल्दी छोड़ के निकल, अभी चीर दूंगा। चल बारिश कहाँ से हो गई इतनी, कपड़े कच्चे हो गए इनके। ये पानी स्प्रे करते रहो सुबह शाम, दो दिन मुंह पे उसी दुआ का पिलाते रहो बड़ा बड़ा के। क्या कहाँ से आए छोरा? कौन है? ये जो मामला है, तो इन्हों इससे पहले आए थे, उनको कोई बला घर में सता रही थी, उनको भी समझ में आ रहा था। और क्या हो रहा था, वो उनकी जान लेने की कोशिश कर रही थी बार बार, फंदे डालकर सुसाइड करने लगा रही थी, कोई झाड़ों के करीब नहीं जा रही थी। पेशेंट को होश नहीं रहता क्या मामला चल रहा, क्या लेवल है, वो बलाएं करते हरकतें। तुम्हारा बेटा तुम्हारे से बागी हो गया, तुम्हारी औलाद तुम्हारे से बागी हो गई, बेटी तुम्हारी तुमसे बागी हो गई, तुम्हारी बीवी तुमसे बागी हो गई, लड़ने लगी, झगड़े करने लगी, अचानक बदल गई, तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे अचानक बदल गए, ये तुम्हारा खून अपना भी तुमसे बदल गया। तो वो नहीं रहता, वो कोई और उसकी जबान पकड़ के बयान करता,
तुमको तो ऐसा लगता है क्योंकि दूसरी हरकतें रिसीव करे वाली, वो हरकतें उसके सिर पे उसके दिल दिमाग पे कंट्रोल करके तुम्हारे को क्या बोलूँ पूरी बॉडी को कंट्रोल करती और तुम्हारे को लड़ने लगाती और तुम्हारा जान भी ले लेने लगा देती, क्योंकि वो नहीं रहता, वो कोई और उसका कंट्रोल चलाता रिमोट का, उसे बहुत सारे राज हैं। तो ये समझ जाना है दूसरे दुनिया के बाहर रहते, तो इसलिए ऐसे कुछ हरकतें हुई तो इंशाल्लाह अल्लाह की कलाम की ताकत से मदद लिया करो लोगो, और अल्लाह के कलाम की ताकत में बहुत बरकत है और बहुत ताकत है अल्लाह के कलाम इलाही में। इसलिए मैं बार बार तुमको कहता एक मामूल बनाओ इबादत करने का, और इबादत किया करो लोगो। आलिम हाफिज मुफ्ती खारी बुखारी इनको जिन्नात शैतान नहीं गिनते, जिन्नात शैतान को जाओ ना जाके बोलो आलिम साहब, अभी मेरे को कल फोन परसों के दिन फोन आया था दो चार दिन पहले, 80 साल के आलिम साहब को पागल कर दिए जिन्नातों ने जाके, तो बच्चे बुलाए थे उनके पास दुआ पढ़ने के लिए सुबह में, उन फोन करके रोकल बोल रहे थे, उनकी रिकॉर्डिंग मैं पास डालूंगा नेटवर्क बनाकर, उन्होंने दुआ पढ़ते थे उनको, उन्होंने ईशा के बाद में पागल कर दिया जाके जिन्नातों ने, उनका वो छोटे बच्चों को जैसा कर रहे करते नमाज पढ़ रहे कहीं कुछ भी रोड कुछ भी चाले करे, तो उनकी पूरी जिंदगी इबादत में तो गई बेशक करे, मगर कुरान तो पढ़े उनकी भी जबान कुरान पढ़े, लेकिन तुम्हारे में और अल्लाह वालों की कुरान पढ़ने वाली जबान में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ अल्लाह चुनता जिसको ताज पिना के बिठाता वो तो फिर उसकी बात फिरा दे रहा, और तुम दिल से मनमाने करेंगे ये तो तुम आलिम रहो, तुम मुफ्ती साहब रहो, तुम कारी साहब रहो, तुम बुखारी साहब रहो, बुखारी वो जो पूरे हदीस से याद कर लेता 125,000। और दूसरी बात कि तुम हाफिज साहब रहो, कोई भी रहो, उनको जिन्ना शैतानों को मजबूत है ना, उन सीधा आते हैं हमला करते और हमला करके चले जाते पागल करके, तो पागल कर देते हैं तो मार देते हैं, तो किसको मारते हैं, बहुत अजीब व गरीब खेल है, वो अजीब व गरीब दास्तान है। सिर्फ वो डरते हो अल्लाह वालों से, बुजुर्गान दीन से, औलिया अल्लाह से, देखो तारीखें पढ़ो और लायु में देखो तो समझ में आएगा। तुम बोलेंगे मैं मुफ्ती, मैं खारी, मैं बुखारी, मैं हाफिज, मैं भी जिन्नात को देखता हूँ पढ़ के जरा फटके देने लगाता हूँ, तुम्हारा कुछ फटके देख जाता फिर उन्हें थोड़ी देर के बाद में मौका देके, क्योंकि तुम्हारे फौज नहीं है, तुम्हारे अल्लाह की मदद नहीं है, तुम अल्लाह के इसमें नहीं है जो अमान में, तुम उनको अल्लाह ने उस काम के लिए नहीं चुना ना, तुमको अल्लाह ने जो काम के लिए चुना तुम वो करो, तुम ये आलिम बनना चाहते, तुम ये अमल करना चाहते, तुम जिन्ना शैतानों से लड़ना चाहते, तुमको उस काबिल बनना पड़ेगा ना, हर चीज़ अलग अलग है ना, वो इसी बात है। आलिम कुरान पढ़ता तो दिमाग से पढ़ता, हाफिज़ कुरान पढ़ता तो हल्क से पढ़ता, अल्लाह का वली कुरान पढ़ता तो दिल से पढ़ता, तो उसके मोमिन बंदों में अल्लाह के फर्क है ना पढ़ने में कुरान, मोमिन बंदे पहले बता दिया ना उनको दुनिया टिकेगी। और दूसरी बात, तुम मोमिन बंदों से अल्लाह के बुग्ज़ रखेंगे औलिया अल्लाह से, तो फिर तुम यकीनन जहन्नुम के ईंधन बन जाएंगे, तुम्हारी सारी इबादतें रद्द कर दी जाएंगी और तुमको जहन्नुम में ढकल दिया जाएगा। बार बार मैं यही तुमको कहता याद रखना, तुम्हारे इतने सजदे तुम कर भी नहीं सकते जितने इबलीस ने करा था, अल्लाह मैं बयान इसलिए कर सकता हूँ कितने सजदे करा दुनिया का कोई, वो इस ज़मीन का सब कोना नहीं सा तबक का जाऊँ, मैंने अल्लाह के ऐसे सजदे नहीं करा, तो उसको वो मकामात बुलंद होते गए उसके, और उसको फरिश्तों के सरदार का दर्जा मिला इबादत के वजह से, बाद में एक नाफरमानी करा रब्बुल आलमीन की और रब्बे काबा की, तो कैसा आलम हुआ उसके साथ में, लानत का तौफ अपने गले में पिना दिया क़यामत तक के बाद की लामहदूद ज़िंदगी में शुरू से आखिर तक किसका क्या कहा। इसलिए तुम भी अल्लाह के नाफरमान मत बनो, अल्लाह के फरमाबरदार बनो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, हदीस और कुरान को पढ़ो और हदीसों को फॉलो करके उस पर चलो, देखो किस तरीके से तुमको बैठ के खाना है शरीयत में, देखो किस तरीके से तुमको पानी पीना है शरीयत में, वो सब तरीक़ों से अमल करो हदीस के हिसाब से, तुमको सवाब भी मिलेगा, बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और दुनिया आखिरत सब संवर लेंगी। बाकी मैं तुमको बार बार यही बता रहा हूँ के आलिम हाफिज मुफ्ती, इससे पहले शख्स खुद आए मस्जिद में जिन्नात ने पकड़ लिया उनको, साथी हो तुम्हारा इतना नहीं समझ रहा क्या, जमात के लोगों को जा रहे तो तुम जमात मस्जिद में क्यों रुका रहे, तुमको साफ मना कर दिया अल्लाह सख्त के ईशा के बाद मस्जिद में रुकना नहीं, चले जाना इबादत के गर्ज से रुकना, नहीं तो सो तुम वहाँ बिल्कुल नहीं सकते, तुम रेस्ट करने के वास्ते मस्जिद है, अरे वो अल्लाह का मकान है, तेरे का बाप का घर के नाम अकूल, जो अंदर जाके आराम से सो रहा लौट के पड़ रहा, शर्म नहीं आ रही तुझे, एक तो इबादत करना नहीं तो फिर बाहर निकल जाना, दिन तुमको इबादत के लिए वास्ते दिया अल्लाह है तो रात किसी और को इबादत के लिए दिया अल्लाह ने, उसके और भी मखलूक है, तुम वहाँ जाके काड़िया करेंगे तो तुम आजाब ना झूलेगा, आजाब तो बुद्धू की बात पहले वलाएं झुलस देते तुम्हारा,
फिर बलाएं झुलसने के बाद तुम्हारा बुरा हाल हो जाता। इसलिए आमिर साहब ये सब लोगों ख्याल रखो। और हाँ, तुम बढ़ गए फिरकों में, वो बन गया अहले हदीस, वो बन गया शिया, वो बन गया सुन्नी, वो बन गया कादियानी, वो बन गया फलाना, वो बन गया तबलीग जमात का। जिन्नातों की नस्ल और जिन्नात क्यों नहीं बदले आज तक? सवाल करता मैं तुमसे, मुफ्तियों खारियों बुखारियों सबसे सवाल करता मैं तुमसे, बताओ जनता को तुम क्या बेवकूफ बना रहे, क्या नए नए फिरके मार्केट में लाके फिरकों में उलझा दे रहे? जिन्नात क्यों नहीं बदले आज तक? क्यों शुरू से आखिर तक सुननी चाहिए? क्यों अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्सी को मजबूती से दामन को आले रसूल औलाद अलियों के औलिया अल्लाह के दामन को मजबूती से थाम के उन्होंने आज भी क्यों उन्होंने क्या बोलते तो दरगाह वाले हजरतों की मुरीदा हैं आज भी गुलाम आए उन्होंने क्यों दिल से क्यों उन्होंने जाके जिन्नाता तबलीग नहीं बने, जिन्नाता अहले हदीस नहीं बने, जिन्नाता शिया नहीं बने, जिन्नाता दूसरे क्यों नहीं बने? आज भी उन्होंने वही अदब और एहतराम के साथ आज भी बुजुर्गान दीन का बहुत अदब करते हैं, कोई मुफ्ती खारी बुखारी का अदब नहीं करते हैं, बहुत मार के पागल कर देते हैं। हजारों से वीडियो पड़े आले मेरे भी नेट, कई वीडियो मेरे भी नेट पे देख लो और बहुत सारे अभी अपलोड होने वाले उसमें भी देख लो। मुफ्तिया खा रहे हो किस में औलिया अल्लाह से कैसा करते हो? थर 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 औलिया अल्लाह के सामने क्यों? क्योंकि वो क्या निज़ाम दिया अल्लाह ने उनको और कैसा वो अल्लाह के करीब है तो कैसा जिन्नातों को भी मालूम है अल्लाह के करीब है। वो तो जिन्नात तो उम्र इतनी दिया अल्लाह ने कि जो मूसा अलैहि सलाम जो ईसा अलैहि सलाम को देखे वो जिन्नात भी आज मक्का के अंदर मौजूद है, इतनी उम्र दिया अल्लाह ने उनको। अब मुझे बताओ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, जिन्हें सहाबा इकराम को देखे, वो भी तो जिन्नात मौजूद है मक्के मदीने में। तो उन्होंने तुमसे बेहतर दीन तो जानते थे ना, तुम जुम्मा जुम्मा 8 दिन से पढ़ के मुफ्ती खारी हाफिज बुखारी बने और तुम किताबा पढ़ के बने, उन्होंने तो लाइव में देखे तो अभी भी जिंदा है वो सब हयात है वहां पे, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बदले? उन्होंने जो दीन पे चल रहे वो दीन कैसा दीन है? बरोबर सुननी छे ना। तो ये बहुत बातें तुमको क्या बोलूं, तुमको बहकाने के वास्ते, जनता को उल्लू बनाने के वास्ते यहूदो नसारा के दलालों ने भेज बदल के उल्मा के चोले पहन के उल्मा दीन बन के दीन में बिगाड़ पैदा करे अल्लाह है। तुम्हारा दूर करे अल्लाह उसके रसूल की रस्सी से, तुमको दूर करे औलिया अल्लाह के दामनों से। जब कुरान में जिक्र फरमाता अल्लाह औलिया अल्लाह के बारे में, सब के बारे में पढ़े, हदीस कुद्दुस में भी फरमाता पढ़े तो तुमको पता चलेगा ना, बाकी गुमराह कर देते तुम्हारा। मैं क्या बोलूँगा, इसलिए तुमको बोलता कि मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलूँगा। और मुसलमान अगर जादूगर के पास इलाज वाले के पास जाता है तो अल्लाह उसको सख्त मना फरमाता, बाद में आश्वासन में फरमा दे कि वो हमारे में से नहीं होगी, हमने से नहीं, उसकी शिफात नहीं करेंगे। तो अब बताओ, तुम औलिया अल्लाह के पास गए तो तुम्हारा दिन मजबूत हो जाता, तुम इलाज वाले के पास गए तो तुम्हारा दिन बर्बाद हो जाता, फिर औलिया अल्लाह का तुम बुरा बोलते। तो इसलिए औलिया अल्लाह का अदब करो, वो अल्लाह के दोस्त है, वो बहुत अल्लाह के करीब है, उनके जैसे सजदे तुम नहीं कर सकते, उनके जैसी इबादत तुम नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करके बोलता सारे मुफ्तियाँ पा रहे हैं वो पा रहे हो सब, तुम 2 दिन बैठेंगे 2 दिन भी नहीं बढ़ सकते, वो 2 घंटे भी नहीं बढ़ सकते। बड़ी रातों को भी देखा ना मैंने, हर मस्जिदों में जा जाके इबादत करता था बचपन में, तो 2 घंटे में पूरी मस्जिद खाली हो जाती, 2 से 4 घंटे में, और बच्चे कुछ बहुत है तो 12 बजे तक पूरे भाग जाते हैं, नहीं तो टेके लगा के सो जाते इधर उधर उधर सब, क्या तो आराम कर रहे हैं यहाँ, क्या तो पूरा खा के आने जा रहे हैं, उनकी इधर कैसी इबादत होगी और उनकी कैसी इबादत होंगी, जमीनों को पीटने लगाए उन्होंने कई कई सालों तक, और उनको बुरा बोलेंगे तो फिर अल्लाह को जला लेंगे ना, और जला ला तो तुम्हारी सारी नस्लों को गर्क कर देंगे ना उन्होंने, फिर ऐसे लोगों का दुनिया में फायदा हुए बोलते हैं, कहीं को रहते बोल के खत्म कर देंगे ना तुम्हारा सब नस्लों। और बहुत बातें कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये जो दास्तानें बलाएं वबाएं इन सबसे बचने के लिए लोगों, मोमिन का हथियार दुआ इबादत, ये सब पे मजबूती से कायम रहो साबित कदम। अल्लाह सबके ईमान की, दीन की, घर की, आल औलाद की, बच्चों की, सबकी हिफाजत करे। कौन से आए थे? सिल्लोड में आते हैं, सिल्लोड तालुका पड़ता है। चलो।